सर्दियों में कितनी अच्छी अच्छी शकरकंद देखने को मिलती है। अरे सिर्फ देखे ही मत, घर लाइए और बनाए चटपटी मसालेदार चाट, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा ही डिलीशियस होता है। और स्वीट पोटैटो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर होते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, शकरकंद की चाट। शकरकंद की चाट बनाने के लिए मैंने 1 किलो शकरकंदी ली है, बट आप जो अपनी जरूरत अनुसार ले सकते हैं। अब जहाँ पर आप देखिए कि मैंने सभी शकरकंद एक ही साइज की ली है, एक मतलब एक ही साइज की जो पतली है और एक ही साइज में इनकी लेंथ है। अगर आप अलग अलग साइज की शकरकंद लेंगे तो जो पतली होगी शकरकंद बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगी, और जो थोड़ी मोटी होगी वो बीच में से कच्ची रह जाएगी। जैसे कि ये देखिए थोड़ी पतली है तो इन्हें कम टाइम लगेगा बॉयल होने के लिए, और ये एकदम से मोटी है तो इसे इनसे डबल टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने एक ही साइज की शकरकंद ली है। तो अब हम इन्हें कुकर में बॉयल करने वाले हैं। आप चाहे तो इन्हें खुले में भी कर सकते हैं, मगर खुले में इन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा और कुकर में सिर्फ एक विसल ही लगेगी, और इससे हमारा टाइम भी बचेगा और दूसरे हमारे गैस की बचत भी होगी। तो जी हमने सारी शकरकंद कुकर में डाल ली है। हमें इनमें इतना ही पानी डालना है जितने में कि हमारी जो सारी शकरकंद है वो डूब जाए। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना जो बॉयल होने के लिए ज़्यादा टाइम लेगी। तो अब इसे एक विसल आने देते हैं। हमारी शकरकंद अच्छे से बॉयल हो चुकी है, तो मैंने इसे कुकर से निकाल लिया है और जो ठंडी भी हो चुकी है, तो अब मैं इसे अच्छे से छील लूँगी। तो मैंने सारी शकरकंद को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और इसमें शकरकंद के छोटे छोटे पीस कर लेंगे, जैसे कि आपको पसंद हो। आपको बड़े पसंद है तो बड़े कर लीजिए, अगर छोटे पसंद है तो छोटे कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब देखिए कि बच्चे बाहर जाकर अनहेल्दी फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड, उससे अच्छा है कि आप इसे घर पर ही बनाएं। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अब सबसे पहले डालेंगे सफ़ेद नमक 1 चम्मच, आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, आप नमक या फिर मिर्ची अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे कम ही तीखा रखें, और अगर आपको तीखा पसंद है तो ऐड कर दें कटी हुई हरी मिर्च। तो अब इसे मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। जी देखिए हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली की चटनी। इमली की चटनी इससे ज़्यादा अच्छी लगती है चाट में। आप जहाँ पर टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं। और इमली की चटनी मैंने कैसे बनाई है, मैं इसकी रेसिपी भी जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, आप देख लेना। बहुत ईजी रेसिपी है ये भी। ये देखिए अब हमने डाल दी इमली की चटनी। अब इसे भी हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, वरना जो कि हमारी शकरकंद है वो टूट जाएगी। जी देखिए जब आप मार्केट से खाते हो शकरकंद की चाट, तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग इमली की चटनी ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आप चाहें तो जहाँ पर बनाना को भी पील कर छोटा छोटा कट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट में ऊपर से डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस के बिना तो हमारी हर चाट अधूरी है। जी दीजिए आप मार्केट से खाते हो शकरकंद की चाट, तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग इमली की चटनी ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आप चाहें तो जहाँ पर बनाना को भी पील कर छोटा छोटा कट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बन गई हमारी मार्केट वाली रेडी स्टाइल शकरकंद की चाट। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।